आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेदिक औषधि वरुणादि काढ़ा या वरुणादि कषाय या वरुणादि चूर्ण से होने वाले फायदों के बारे में। इस दवा के प्रयोग से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, कौन कौन सा लाभ होता है तथा इस दवा के प्रयोग से कौन कौन सी बीमारियाँ दूर होती हैं और इस दवा को कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के संबंध में दवा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 250 रुपये गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं वरुणादि कषाय या वरुणादि काढ़ा के बारे में। वरुणादि काढ़ा या वरुणादि कषाय, वरुणादि काढ़ा या वरुणादि कषाय एक आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है और इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से किडनी और मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। और यह दवा डाइयूरेटिक तथा लिथोट्रिप्सिक प्रॉपर्टी वाला होता है, यानी कि यह दवा मूत्रल होता है और पथरी की समस्या को दूर करने वाला होता है। इस दवा का घटक वरुण की छाल, गोखरू या गोक्षुर, पत्थर चटा और सोंठ होता है और इन सभी दवाइयों को मिलाकर वरुणादि क्वाथ या वरुणादि काढ़ा को तैयार किया जाता है। और आइए अब जानते हैं इस वरुणादि काढ़ा या कषाय का उपयोग करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, वरुणादि कषाय या वरुणादि काढ़ा का उपयोग करने से मूत्र और किडनी संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसलिए जिन लोगों को खुलकर पेशाब नहीं होता है, बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी देर में, रुक रुक कर बूंद बूंद के रूप में पेशाब होता है, पेशाब करते समय दर्द या जलन होता है, या जिन लोगों को रिकरेंट यूटीआई यानी कि बार बार मूत्र पथ में संक्रमण होता है या मूत्र में गाढ़ापन, पीलापन या गंदलापन रहता है, मूत्र साफ नहीं आता है या मूत्र के साथ साथ झाग या प्रोटीन जाता है, ऐसे लोग यदि वरुणादि क्वाथ का उपयोग करें तो उन्हें निश्चित ही लाभ मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को पथरी की समस्या हो, जिन लोगों को बार बार पथरी हो जाती हो, एक के बाद एक पथरी होती ही रहती हो, ऐसे लोग यदि वरुणादि क्वाथ का विधिवत उपयोग करें तो उन लोगों को पथरी की समस्या दूर होती है। न केवल पुरानी पथरी टूटकर धीरे धीरे निकलती है बल्कि उनमें फिर से नई पथरी का निर्माण भी नहीं होता है। इस प्रकार जिन लोगों को भी पथरी की समस्या हो वे वरुणादि क्वाथ का उपयोग कर लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सिस्टाइटिस यानी कि मूत्राशय में सूजन की समस्या हो, दर्द की समस्या हो, वे लोग भी यदि इस वरुणादि क्वाथ का उपयोग करें तो उनमें दर्द और सूजन की समस्या कम होती है। और कई बार किडनी में सूजन आ जाने के कारण किडनी का साइज बढ़ जाता है और किडनी के और उसी अनुपात में किडनी के अंदर मौजूद छलनियों का साइज भी बढ़ जाता है, जिसके कारण मूत्र के साथ साथ प्रोटीन भी शरीर से बाहर जाने लगता है। ऐसी स्थिति में यदि वरुणादि क्वाथ का प्रयोग किया जाए तो ऐसी स्थिति में यदि वरुणादि क्वाथ का उपयोग किया जाए तो न केवल किडनी का साइज कम होता है, किडनी की सूजन कम होती है, बल्कि मूत्र के साथ जाने वाला प्रोटीन भी नहीं जाता है, उसमें भी लाभ मिलता है। और इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या होती है या डायबिटीज़ के रोगियों के मूत्र संबंधी समस्याओं में भी वरुणादि क्वाथ का उपयोग करने से बढ़िया लाभ मिलता है या अच्छा कारगर होता है। और आइए अब जानते हैं वरुणादि क्वाथ या काढ़ा या चूर्ण की प्रयोग विधि के बारे में। क्वाथ, वरुणादि क्वाथ या काढ़ा यदि बना बुनाया हो तो इसे 10 ml से 15 ml की मात्रा में सुबह और रात में बराबर मात्रा में या एक कप पानी में भोजन के बाद सुबह और रात में लेना चाहिए। और अगर यह चूर्ण के रूप में हो या क्वाथ के रूप में हो तो इसे लिक्विड के रूप में बनाने के लिए लगभग 400 ml पानी लेना चाहिए तथा उसमें 2 चम्मच वरुणादि चूर्ण को डालकर इसे अच्छे से उबालना चाहिए और इसे तब तक उबालना चाहिए जब तक कि पानी आधा ना हो जाए, यानी कि 200 ml पानी शेष बचना चाहिए। और जब यह बचा हुआ द्रव ठंडा होकर गुनगुना रह जाए तब इसे सुबह खाली पेट में पीना चाहिए। तो इस प्रकार यह वरुणादि क्वाथ या काढ़ा पीने की मात्रा और विधि है। वरुणादि क्वाथ मूत्र तथा किडनी संबंधी रोगों में अत्यंत लाभकारी होता है, लेकिन कई बार इस दवा के साथ साथ कुछ अन्य आयुर्वेदिक औषधियां जैसे कि पुनर्नवारिष्ट, चंद्र प्रभावती, गोक्षुर आदि गुगुल, इन सभी को भी मिलाकर लेने से ज़्यादा तथा बढ़िया आराम मिलता है। अतः अगर आप यदि इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हों और वरुणादि क्वाथ के साथ आपको कौन सी दवा मिलाकर लेनी है, इस बात की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 250 रुपये गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।